पाकिस्तान के बरेलवी मौलाना इलियास अत्तार की विवादित संस्था दावत इस्लामी और पाकिस्तान के बरेलवी चरमपंथी मौलाना आसिफ अशरफ जलाली का सूफी इस्लामिक बोर्ड के द्वारा विरोध करने के बाद भारत के बरेलवी पंथ के मौलाना उल जलूल बयान देने पर उतर आए हैं। ऐसे फेंकने वाले बयान की जिसे सुनकर इतिहास भी शर्मा जाए। ऐसे एक बरेलवी पंथ के मौलाना अब्दुल मुस्तफा हशमती रुदौली का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। उनके भाषण को सुनने के बाद लगता है इतिहासकारों को फिर से इनके मुताबिक इतिहास पढ़कर इन्हीं के मुताबिक इतिहास लिखना पड़ेगा। अपने भाषण की शुरुआत सूफियों का अपमान शुरू करते हुए मौलाना दावा करते हैं कि बरेलवी उलमाओं ने कभी दहशतगर्दी का कोई काम नहीं किया। और बरेलवी उलमा को तुम माजल्ला दहशतगर्द बताते हो, आतंकवाद से उनको जोड़ते हो और उनके बारे में ये बकते हो कि ये मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के चरमपंथी मौलाना अशरफ जलाली जो भारत को पाकिस्तान बनाने की बात करता है, कश्मीर से हिंदुओं को निकालने की बात करता है, भारत के लोगों को मूत पीने वाला बताता है, देश के प्रधानमंत्री को रगड़ने की बात करता है और तो और ये चरमपंथी मौलाना पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी की शान में गुस्ताखी करने के चलते जेल भी जा चुका है और भारत के बरेलवी पंथ के मौलाना उसका समर्थन करते हैं। मन्नान मियां तो उसका समर्थन करने पाकिस्तान तक चले गए। जलाली को जब जेल भेजा गया तो मन्नान मियां समेत कई बरेलवी उलमाओं ने उसकी रिहाई के लिए खत लिखे, वो भी ये जानते हुए कि यह चरमपंथी गुस्ताख हजरत बीबी फातिमा है। बरेलवी मौलाना अब्दुल मुस्तफा ने दावा किया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले अल्लामा फजल हक खैरावादी बरेलवी मसलक के मानने वाले आलिम थे। आगे दावा किया गया कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी बरेलवी मसलक के मानने वाले थे, मुजाहिद आजादी असफाकुल्ला खां भी इसी को मानते थे। मैं शहर हक रुदौली शरीफ से अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी कादरी बरकाती रजवी हशमती बोल रहा हूँ और मैं ये साबित करूँगा कि उलमा अहले सुन्नत बरेलवी उलमा हमेशा मुल्क के वफादार रहे, उन्होंने दहशतगर्दी का कोई काम नहीं किया, उनका कोई काम ऐसा नहीं रहा कि जो तख़रीबकारी पर मुश्तमिल हो। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो अपनी मालूमात में इजाफा करो। अल्लामा फजल खैराबादी जो सुन्नी आलिम थे और जिस अकीदे और मसलक की बुनियाद पर आज हमें तुम बरेलवी कहते हो, यही अकीदा, यही मसलक और यही ज़हनियत अल्लामा फजल खैराबादी की थी। सबसे पहले जहाद का फतवा देने वाले अल्लामा फजल खैराबादी सुन्नी आलिम दीन थे और बरेलवी मसलक और अकीदा और ज़हनियत के हामिल इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग करने वालों में और तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों को इस भारत से भगाने वालों में नुमाया नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा का है, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी का है, रोहिला पठान हाफिज रहमत खां का है और हाँ सुनो आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह जफर का है। ये वो लोग हैं जिन्हें आज हम जिस अकीदे पर हैं, जिसकी बुनियाद पर तुम हमें बरेलवी कहते हो, उसी अकीदे और उसी मसलक के मानने वाले थे। इतिहासकारों के मुताबिक अल्लामा फजल हक खैराबादी चिश्ती सूफी थे और चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग थे। विकिपीडिया के मुताबिक अल्लामा फजल हक खैराबादी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांतिकारी तर्कशास्त्री व उर्दू अरबी फारसी के मशहूर शायर थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में सीतापुर के शहर खैराबाद में हुआ था। अल्लामा फजल हक खैराबादी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर मुस्लिम समुदाय को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने की अपील की गई थी। मुखबिरों की सूचना पर फजल हक खैराबादी को 30 जनवरी 1859 को खैराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ सेशन कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की पैरवी उन्होंने खुद की, कोई वकील नियुक्त नहीं किया। मुकदमे की बहस के दौरान उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया पर झूठ नहीं बोला और कहा हाँ वह फतवा सही है, वह मेरा लिखा हुआ था और आज भी मैं अपने फतवे पर कायम हूँ। आरोपों को कबूल करने के पश्चात उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई और सारी जायदाद
जब्त करने का आदेश जारी किया गया। अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में ही 20 अगस्त 1861 में उनका इंतकाल हो गया। विकिपीडिया के मुताबिक मसलके आला हजरत के संस्थापक इमाम अहमद रजा खां का जन्म प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से एक साल पहले 1856 में हुआ था। इनके जन्म के 5 साल बाद ही 1861 में फजल हक खैराबादी का इंतकाल हो गया। उस वक्त मसलके आला हजरत वजूद में भी नहीं था, तो फजल हक खैराबादी मसलके आला हजरत यानी बरेलवी मसलक के मानने वाले कैसे हो गए। विकिपीडिया के मुताबिक भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर क्रांति के महानायक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां 7 नवंबर 1862 यानी अहमद रजा के जन्म के 6 साल बाद उनकी मौत हो गई। अब कहां से बहादुर शाह जफर बरेलवी मसलक के मानने वाले हो गए। वहीं जिन अशफाकुल्ला खां को इसी विचारधारा का बताया गया वह वारसी सिलसिले से थे। इस विचारधारा से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इन बयानों को सुनने के बाद पता चलता है इन मौलवियों द्वारा जो झूठ की दुकान खोलकर लोगों को मनगढ़ंत इतिहास बताया जा रहा है उसका दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।